नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अभाज्य संख्या की जानकारी देने वाला हूं। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर PRIME NUMBERS प्राइम नंबर्स अर्थात अभाज्य संख्या। तो इसके पहले आपको जानकारी है कि 1 से 100 तक की मूल संख्याओं में सम संख्या 50 होती है और विषम संख्या भी 50 होती है। और आपको जानकारी है कि जिन संख्याओं की इकाई अंक पर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो वे संख्याएं सम होती हैं, और जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 1 3 5 7 9 हो वे संख्याएं विषम होती हैं। तो सम और विषम संख्या की जानकारी आपको ज्ञात हो गई है। अब हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा है, देखिए बच्चों, जिस संख्या में एक और केवल एक से ही भाग जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा को फिर से आपसे देखिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो जिस संख्या में एक और केवल एक से ही भाग जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं कि जिस संख्या में एक और केवल एक ही से भाग जाता हो, अन्य संख्या से भाग ना जाता हो। तो 1 से लेकर 100 तक की मूल संख्याओं में देखिए, ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इन संख्याओं में केवल एक ही से, इन्हीं से ही भाग जाएगा, एक से ही भाग जाएगा। जैसे देखिए 2 हो गया 2 2 के बाद 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 31 के बाद 37 41 47 53 59 61 67 71 73 79 और अंतिम संख्या है 97। तो इस तरह से टोटल ये बच्चों 25 संख्याएं हैं। 1 से लेकर के 100 तक की मूल संख्याओं में 25 संख्या जो है ये अभाज्य संख्या है, जिसमें केवल एक और केवल एक से ही भाग जाता है। तो फिर से हम देखते हैं, 97 जो है 37 41 41 47 53 53 53 61 61 61 73 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
अभाज्य संख्याएं हैं। एक से सौ तक की मूल संख्याओं में
ये 25 संख्याएं जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। इन संख्याओं में और अभाज्य संख्याओं की परिभाषा तो आप जान गए हैं कि जिस संख्या में एक और केवल एक से ही भाग जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस तरह से ये 25 संख्याएं जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप प्राइम नंबर्स अर्थात अभाज्य संख्याओं की जानकारी प्राप्त करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।